हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 10 तारीख हो रही है, 10 जनवरी। सो आज मैं हूँ दुशानबे में, और दुशानबे से मैं जाने वाला हूँ खुजांद की तरफ, जो कि दूसरी सिटी है, बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस ताजिकिस्तान। बट मैं वहाँ पर रुकूँगा नहीं, वो उसको एज ए मैं ट्रांजिट यूज़ करते हुए वहाँ से निकल जाऊँगा दूसरी जगह पे, जो कि नियर बाई सिटी है, लैंड बॉर्डर के पास उज़्बेकिस्तान के। फिर वहाँ से मैं एंट्री लूँगा। जो नियर बाई सिटी है वो है पंजा कैंट। सो मैं जाऊँगा पंजा कैंट। पंजा कैंट के लिए मुझे सी दुशानबे से मुझे खुजान पहुँचने के लिए करीब 200 सुमानी लगेंगे, और खुजान से पंजा कैंट जाने के लिए करीब 20 या 25 सुमोनी लगेंगे। और फिर यहाँ से सुमोनी से पंजा कैंट से थोड़ी सी दूरी है बॉर्डर की, जो कि उज़्बेकिस्तान की है, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस में जा सकता हूँ या फिर टैक्सी वगैरह कर सकता हूँ 5 या 10 सुमोनी में। और ये था रूम जहाँ पे मैं रुका हुआ था। ये मेरे दोस्त जो याकूब है, उनके फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे और स्कूल फ्रेंड यू कैन से। सो उनके रूम में रुका हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी ओवर हियर। सो कुछ ये था रूम भाई का गेट, और ये है सोबिट टाइम का पूरा स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। सो देख लो कैसा दिखता है। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर एंट्री के लिए लॉक सिस्टम नहीं है, ओपन गेट से। सो आप बिल्डिंग में एंटर हो सकते हो। अदरवाइज अगर आप रशिया में जाओगे तो बिल्डिंग में एंटर होने के लिए ही आपको पासपोर्ट वगैरह डालना पड़ता है, जो हर एक बंदे को दिया जाता है बिल्डिंग ओनर को। सो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं था। सो अब बिल्डिंग के अंदर इजीली एंटर हो सकते हो। फोर्थ फ्लोर पे था मैं। सो ये मेन गेट था, देख लो। दिस इज हाउ द बिल्डिंग्स लुक्स। सी ऊपर मैं था फोर्थ फ्लोर पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर विंड भाई से मिलने। मिलके मैं बाय करूँगा। कुछ खाया नहीं हूँ अभी, क्योंकि भाई एक तरीके से पूरा बैचलर लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे। मुझे जाना पड़ेगा बाहर। किचन अभी उन्होंने सेटअप नहीं किया है कि मैं बाहर से कुछ लाता या फिर बना लेता। तो जा रहा हूँ, देखता हूँ बाहर कुछ मिलता है कि नहीं। सो ये आसपास का पूरा है, देख लो। मतलब जब आप सोवियत टाइम्स के जितने भी जगह पे आप विज़िट करोगे ना, वो आपको विज़िट करने में ना बड़ा अमेजिंग सा फील होगा, बहुत अलग सा लगेगा। सो ये आसपास का एरिया है ऑफिस के। भाई जो है वो काम करते हैं अलिफ फिनटेक। सो यहाँ की फेमस और मोस्ट डिमांडिंग कंपनी है अलिफ फिनटेक। ही यूज़ टू वर्क ओवर देयर। सामने ही है बिल्डिंग, उधर ही चल रहा है। मिल लेता हूँ भाई, बोल लेता हूँ। कुछ पैसे निकालने हैं। आरुमत एटीएम बैंक है, वहाँ से निकालूंगा मोस्ट प्रोबेबली। और जो रीज़न मुझे मालूम चला था कि बैंक्स में क्यों नहीं डिस्पेंस हो रहा है, माइट बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दे डोंट हैव द मनी इन द इन एटीएम। दिस इज़ वाई आई वॉज नॉट गेटिंग ऑल दी मनी ऑल्सो। तो ये जो कार्स आपको दिख रही हैं टैक्सी बुक करने के लिए, ये मुझे कल पूरा कन्फर्म हो गया। जैसे इसमें लिखा है 333333, सो यू कैन कॉल बाई द लोकल नंबर 333333 एंड दे विल कम एज पर योर लोकेशन। ऑल्सो ये जो ट्रिप है ना, वो 10 सुमोनी से शुरू हो जाती है। मतलब आपकी ट्रिप शुरू हो जाएगी 10 से ही, बट पर किलोमीटर 2.5 सुमोनी या 2 सुमोनी आपका जुड़ता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सुमोनी प्री आपका स्टार्ट में दिखाएगा, बट जब तक वो 4 किलोमीटर कंप्लीट नहीं होंगे, वो 10 सुमोनी के आगे बढ़ेगा नहीं। सो जैसे ही 4 किलोमीटर कवर हो जाएंगे, वो उसके आगे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा प्राइस 2.5 सुमोनी 2 सुमोनी के हिसाब से। देखते हैं यहाँ पे शॉप में नियर बाई में कुछ है कि नहीं, बलूच का पूछते हैं। यहाँ पे है तो यार बहुत कुछ खाने के लिए। ये रोटी है और बनाना है। हेलो सलाम ब्रदर, डू यू हैव बलूच का? बलूच का, बलूच का दिस डू यू स्पीक इंग्लिश? 70 रुपये का है भाई, ये मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये ले लूँ, कुछ तो काम आएगा खाने के लिए। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम के पास में, आमोनत जो बैंक है उसी से ट्राई करूँगा, दूसरे से नहीं ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे वहीं से पैसा मिला था। नियर बाय में भी वही एटीएम दिखा रहा है। सो ये कुछ आसपास का एरिया है,
मॉर्निंग की देख लो भाई चहल पहल कैसी है कैसी नहीं है। चलता हूँ, पैसे निकालता हूँ, सोच रहा हूँ मार्केट ना जाऊँ क्योंकि भाई फिर जाने में यार मेरे को समय में नहीं आ रहा है। अभी हो चुके हैं टाइम 11 बज रहा है, वहाँ पहुँचूँगा फिर अगेन बैग लेके इधर उधर दौड़ो। एक तो ये बैग मेरे को ना बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ मैं सीधे जाऊँ चौरबाग टैक्सी स्टैंड, वहीं से टैक्सी उठाऊँ और पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे जाना है खुजांत, क्योंकि खुजांत का जो बीच का रास्ता है ना वो पहाड़ों के बीच से जाएगा, तो बहुत खूबसूरत है देखने में, मैंने दो वीडियोस भी देखी हैं आसपास की। सो मैं सोच रहा हूँ सीधे वहीं जाऊँ क्योंकि मुझे खुजांत पहुँचने के बाद से पंजा कैंट भी जाना है जो कि दूसरी सिटी है नियर बाई, वहाँ पहुँच के समरकंद के लिए मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है दोबारा से, जैसे कि मेरे पास डबल एंट्री वीज़ा है। देखिए कंफ्यूज ना होना आप लोग भाई, एक होता है डबल एंट्री, एक होता है मल्टी एंट्री, एक होता है नॉर्मल वीज़ा एंट्री के लिए सिंगल एंट्री। तो जो नॉर्मली हम लोग वीज़ा लेते हैं वो सिंगल एंट्री लेते हैं, टूरिस्ट वाला जो आपका वीज़ा होता है, बट मैंने क्या लिया है डबल एंट्री लिया है। डबल एंट्री इन दैट कि मैं दो बार एंट्री कर सकता हूँ उज़्बेकिस्तान में, उससे ज़्यादा नहीं, और एक महीने के लिए वैलिड है मेरा स्टे, सो मैं एक महीने तक वहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। और मल्टी एंट्री में क्या होता है कि आपका वीज़ा का जो वैलिडिटी है वो कुछ समय के लिए रहता है, मान लो 3 महीने 6 महीने तक वीज़ा वैलिड रहता है, उस बीच में आप कितनी बार भी आप चाहो तो कंट्री में एंट्री करो एग्ज़िट करो, बट उसमें आपका स्टे जो है वैसे ही फ़िक्स होगा, या तो 1 महीने मिलेंगे या 2 महीने मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट एंट्री जो है वो फ़िक्स नहीं होती है, मल्टीपल टाइम्स आप अंदर मतलब कंट्री में एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हो, सो ये फ़ायदा होता है उसका। भाई आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा, यहाँ पे एटीएम का बहुत बड़ा इशू है, सो पैसे हर एटीएम में है नहीं, तो मैंने अभी इस बैंक में ट्राई किया था, ये दूसरा बैंक है सिंता में, सिंता मैन करके है, सो इस बैंक से मैंने पैसे निकाले हैं, विड्रॉ हो गए हैं, और अमोनल से मैंने पीछे ट्राई किया था, वहाँ पे एटीएम में उसमें पैसे नहीं थे, पैसे क्या थे वो कार्ड ही रीड नहीं कर रहा है, कार्ड को ही डिस्पेंस कर दे रहा बार बार रिजेक्ट कर दे रहा था, सो मैंने यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर भी निकल गया। सो ये एटीएम देख लो ध्यान से, मेक श्योर ये दो एटीएम हैं आप चेक कर लेना, पैसे तो विड्रॉ हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ चारबाग टर्मिनल पे, चारबाग टर्मिनल बोलते हैं जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ हो रही है चारबाग, याद रहे सिटी के बाहर है थोड़ा सा एरिया, बस जो है मेरे लोकेशन से 52 जाएगी, डायरेक्ट बस है, मैं बीच में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सो डायरेक्ट बस लेके जाऊँगा। और ये कुछ शहर का जायज़ा, तो जा रहा हूँ बस लेने और अभी शहर के बीच से क्रॉस कर रहा हूँ, एक काइंड ऑफ हाईवे लग रहा है मेरे को क्योंकि बैरिकेडिंग लगा रखी है, देख लो आसपास की बिल्डिंग्स कैसी हैं एंड व्हाट डू यू थिंक गाइस अबाउट ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान। किर्गिस्तान का तो कुछ हुआ नहीं, मेरा जो थर्ड कंट्री थी वो किर्गिस्तान जाने का प्लान था बट वीज़ा नहीं मिला, वो अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई थर्ड कंट्री का वीज़ा डालो या कन्फर्म टिकट डालो, वीज़ा मेरे पास में है नहीं कजाकिस्तान का क्योंकि इंडियंस को चाहिए नहीं, ये इतने बड़े बेवकूफ़ लोग बैठते हैं एम्बेसी में कि पूछो मत, फ्लाइट टिकट मैंने कन्फर्म डाली उसके बाद भी नहीं अप्रूव कर रहे हैं वो भी ट्रांजिट वीज़ा के लिए। अरे सीधे सीधे कर दो ना भाई कि तुमको कंट्री में बंदों को बुलाना ही नहीं है आने नहीं देना तो मना कर दो भाई, दिस कंट्रीज आर नॉट अलाउड या फिर टूरिज्म अलाउड ही नहीं है तो दे क्यों रहे हो, बहुत ड्रामे होते हैं भाई वीज़ा वीज़ा के चक्कर में ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। ये तो गनीमत थी मैंने उज़्बेकिस्तान का डबल एंट्री वीज़ा ले लिया था, सो अभी मैं दोबारा से एंटर कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ से सीधे दुशानबे से एग्ज़िट करने के लिए फ़्लाइट लेना पड़ता और मैं जाता आलमाटी डायरेक्ट, और जो फ़्लाइटें आ रही हैं भाई वो 10-10 हज़ार रुपये की हैं और 18 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये की हैं, सोचो नियर बाई कंट्री में भी जाने में यह हाल है। यार बस स्टैंड पे आ चुका हूँ फ़िलहाल और यहाँ से दो बसेस दिखा रहा है, एक बस है 29 और एक माशरुक्का है जो छोटी छोटी वैन चलती हैं मसीडी गली, ये 47 खड़ी है ना, सो इसमें की जाएगी 52 चारबाग पे,
टर्बॉक से पहले ही स्टॉप है उसका, आई डोंट नो द नेम क्या है बोला जाता है यहाँ पे, बट मैंने उसको मार्क कर लिया है। पीछे आ तो गई यार, तो 1:29 जाएगी, मैं सोच रहा था बस से जाऊँ 29, क्योंकि माशुद्का में जगह बिल्कुल भी नहीं है। 52 से जैसे ही 52 आ रही है ना, ये 52 नंबर माशुद्का जाएगी चारबाग पे, तो आप वहाँ जा सकते हो। यार बैठने की जगह नहीं है, देखो पूरी भरी हुई है, खड़े होकर जाना पड़ेगा। में यही है, बहुत हार्श ड्राइविंग है भाई, बैग लेके खड़ा था मैं, कभी मतलब ऐसा पिकअप मार रहा है कि पूछे मत। सो कभी भी आप निशानबे में इन मिनी वैंस में अगर बैठते हो तो भाई कोशिश करना कि कोई स्पेस मिल जाए, और बैग ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, विदाउट बैग ट्रैवल करो। और जब आपको सिटी से बाहर जाना पड़ेगा तब तो बैग लेके जाना पड़ेगा, सो मेक श्योर कि ज़्यादा क्लमजी ना हो, ईजी रहे बैग कैरी करना। तो भाई ये सामने जो लिखा हुआ है ना, ये चारबाग लिखा हुआ है और ये टर्मिनल लिखा हुआ है, अभी मैं वहीं पे हूँ। ये सारी टैक्सी जितनी भी लगी हैं यहाँ पे, कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि चारबाग मीन्स खुजांद और पंचाकेंट। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे आने के पास से, तो आप टैक्सी ड्राइवर के पास में जाओ, कोई भी पूछो, उनमें से खुद ही बता देंगे कौन सी टैक्सी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। सो अभी फ़िलहाल मैं देख लो, माउंटेन एकदम आउटर एरिया हो दुशानबे का, देख लो सारे माउंटेन्स हैं आस पास में। सो यहीं से ट्रिप शुरू होगी मस्त थोड़ी सी, यही मुझे एक्चुअल में जो ट्रैवलिंग मुझे करनी थी वो ये करनी थी, बट इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए कुछ, क्योंकि भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो पहले कुछ खा लूँ उसके बाद देखता हूँ। और सोच रहा हूँ ये कपड़े मैं चेंज करूँ, क्योंकि जो मैंने अंदर पहन रखा है ना वो मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है, तो अंदर वाला निकाल के मैं सिर्फ ये ऊपर ही पहन लूँगा, वैसे भी धूप हो रखी है। ये सारी शॉप्स यहाँ पर हैं, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे शॉप होगा एज पर दी लोकेशन आई हैव सीन। बहुत सारी शॉप्स हैं, बसेस भी खड़ी हुई हैं वापस जाने के लिए। पूरा फूड कोर्ट बना रखा है अच्छा खासा, मतलब ठीक है, आउटर एरिया में भी खाने पीने का सामान है, ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं। अभी देखना पड़ेगा खाने के लिए मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। हर एक शॉप में वैसे कॉफ़ी है, देखो यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या है क्या खाने के लिए नहीं है। तो भैया मैंने ले ली है ये कार है, ऑटोमेटेड है, ये सारी टैक्सी लगी हुई है यहाँ पे लाइन से। आई एम इन लाल किला, ओके दिल्ली, दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली इंडिया। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। तो ये गाड़ी है, मैंने आगे की सीट मिल चुकी है, और इधर की जितनी भी लाइनें लगी हैं और उधर जो लगी हैं वो आपको मिलेंगी पंचाकेंट के लिए, और तो पंचाकेंट जा सकते हो। और जिसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ वो 200 सुमोनी है, और उस साइड से मैंने रोल खाया था, जो रोल था तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, शर्मा रोल, 20 सुमोनी का था। सो ऑटोमेटेड कार है, ठीक है। फिलहाल देख लो, ये यहाँ पे ना पेट्रोल स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन के ही पीछे की तरफ भी होता है और इकलौता है, इतना कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप दुशानबे से सिटी से बाहर निकलोगे ना, तो यहाँ आने के लिए एक 52 नंबर चलती है और 49 नंबर चलती है। सो माशूद का 52 नंबर, 49 कौन सी है पता नहीं है, वो आई थिंक बस ही है बट मुझे दिखी नहीं। सो आसपास का नज़ारा देख लो भाई, माउंटेन्स का स्टार्ट हो चुका है। प्लान मैंने चेंज कर दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू खुजांद, आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे पंचाकेंट। पंचाकेंट से मैं समरकंद में एंट्री ले लूँगा, क्योंकि वो नियर बाई एरिया है, मेरे पैसे और खर्चे होंगे और मैं पैसा भी खर्च करने के मूड में नहीं हूँ। सो जाऊँगा अलमाटी, अलमाटी में कुछ प्लान है, मैं आपको वही बताऊँगा, मैंने पिछले आपको बताया भी है। दिस इज़ द गाड़ी परमिट नंबर, ये सामने पूरी मार्केट है, चलते हैं। फ्रंट सीट ले ली है, रिकॉर्डिंग के काम आएगा,
बंदे ने खुद ही ऑफ़र कर दिया क्योंकि अभी इतने भरी नहीं थी, तो निकलने का वेट करते हैं, जब निकलेंगे तो मज़े लेते हैं फिर, क्योंकि ये जाएगा पूरा माउंटेंस के बीच में और 3 से 4 घंटे की ट्रिप है। फिर पंजा कैंट जाने के बाद वहाँ से मुझे अलग लेनी है बॉर्डर के लिए, जिसके लिए 20-30 मोनी लगेंगे, तो वो देना पड़ेगा। सो फाइनली भाई निकल चुके हैं 1:30 पे, अभी ज़्यादा लंबा बैठा नहीं, सही है, मैं आगे किसी पर बैठा हूँ रिलैक्स होकर, और पीछे 3 लोग बैठे हुए हैं और एक बच्चा है और ड्राइवर। पार्ट है वो पूरा माउंटेन्स का है, ये वाला पार्ट इधर वाला। अभी 220 था, 4 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, 216 ही बचे हुए हैं, तो बर्फ़ पड़ी हुई है, इसी बीच से क्रॉस करके जाएंगे। चलते हैं अभी बीच में, मैं दिखाता रहूँगा आपको अच्छे खासे जब सीन आएंगे। लेने के लिए देख रहा हूँ खाने पीने के लिए, या फिर कुछ जूस ले लूँ, ये शॉप है आस पास की, एक बीच में स्टॉप लिया है तो वही देख रहे हैं। सो भाई मैं पंजाकंड में आ गया हूँ, ये है पूरी सिटी, यहीं पे कहीं पे भी आपको रोड पे उतार दिया जाएगा जब आप उधर से आओ कुछ छानबे से, और साइड में सारी टैक्सी लगी हुई है, लेकिन वो अपना शेयरिंग टैक्सी है और अपना पर्सनल जाना चाहता है तो उसका अलग पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। 20 किलोमीटर यहाँ से है, 20 सुमोनी, वहाँ से 200 सुमोनी मैंने पे किया, तो टोटल आप 220 में 200 बॉर्डर पहुँच जाओगे, लेट्स सी। और ये बॉर्डर 24 घंटे खुला हुआ है, मैं बॉर्डर पहुँच के बॉर्डर का नाम आपको बता दूंगा। ताकि अंदर एंट्री हो चुकी है, वो पीछे एंट्री गेट था और ये सामने है, यहाँ से एग्जिट स्टैम्प लगेगा जहाँ मैं सामने जा रहा हूँ, और ये आप बस कह लो नो मैंस लैंड है जो एरिया मैं वॉक कर रहा हूँ, आसपास का एरिया ये पूरा। सामने मेन बॉर्डर कंट्रोल है, जो ऑफिसर्स हैं जहाँ पे ऑफिसर मेन होंगे जो स्टैम्प लगाएंगे, पीछे एक ऑफिसर था तो वो सिर्फ एंट्री के लिए है, चेक करने के लिए कि स्टैम्प वगैरह लगा है कि नहीं लगा है। अब सामने जाके सारा कुछ होगा। ताजिकिस्तान से एग्ज़िट ले रहा हूँ प्रॉपर, और उसके बाद फिर एंट्री मारूँगा उज़्बेकिस्तान में अपने वीज़ा से, और मेरे पास कुछ ताजिकी सोम बचे हुए थे, मैंने उनको चेंज करा लिया, अराउंड 1 लाख सोम मिले हैं, उन्हीं को यूज़ करूँगा, ज़्यादा कोई खर्च नहीं करना है ना कुछ पैसे निकालने हैं, तो लेट्स सी आगे क्या क्या और करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे कार्ड्स वगैरह चलते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है कैश का, सो इट आई कैन मैनेज इट। ये है सामने, अब ज़्यादा नहीं कर सकते, रिकॉर्ड बंद कर रहे हैं, एग्जिट लेने के बाद बात करेंगे।